What's up guys, I'm Siddhant, you're watching Siddhant India, welcome back to my new video। और आप में से बहुत लोग मेरे को मैसेज करके कह रहे थे कि आप वीडियो बनाओ कि यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, इजी होती है, डिफिकल्ट होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, एवरेज पैकेज कितना होता है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस पर्सन का। तो ये वीडियो उसी पे होने वाली है और इस वीडियो में मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ यहाँ की एक यूट्यूबर एलिस शर्मा का, स्टॉल द बॉल, आपने उनकी वीडियो देखी होगी। वो कॉर्क आयरलैंड में रहती है और वो यहाँ पे 3 ईयर्स से रह रही है, तो उनका एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे जॉब का, सब चीज़ का। तो इस वीडियो में ये वो बताएगी अपने बारे में कि उनको जॉब कैसे मिली, इजी थी, डिफिकल्ट थी, और पैकेज कितना मिलता है यहाँ पे एवरेज अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना आयरलैंड की और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। और अगर आपको मेरे वीकली अपडेट्स देखने हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एलिस, हाउ आर यू? I say good morning. कैसे हो? Good morning. बढ़िया. Alice, can you introduce yourself? Oh yeah, sure. So my name is Alice Sharma, और मैं कॉर्क में 3 साल से हूँ, and I did masters from UCC here, और now I'm working from last 2 years. Okay. So can you tell आपने job search करना कैसे start करा after your masters? जी, तो जब masters मेरी complete हुई वो जुलाई तक हो गई थी complete, because कहने को 1 साल का course होता है वो, but यूजुअली 9 मंथ्स या 8 मंथ्स में हो जाता है वो कंप्लीट, और एंड में आपको जस्ट प्रोजेक्ट ही रह जाता है सबमिट करने के लिए। तो उसके बाद यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू सर्च फॉर जॉब्स। तो जॉब सर्च करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना लिंक्डइन ढंग से बनाया, मैंने बहुत अच्छा रिज्यूम बनाया, उसको लिंक्डइन पर अपलोड। और यहाँ पर लिंक्डइन बहुत अच्छा चलता है, जैसे इंडिया में इतना नहीं मुझे लगता लिंक्डइन की वैल्यू है। तो जब मैंने लिंक्डइन पर अकाउंट बनाया, बट अभी आई थिंक इंडिया में भी ग्रो हो रहा है, बहुत लोग लिंक्डइन पर स्विच हो रहे हैं, बट यहाँ और भी डबल एक्टिव है, मतलब आपको बहुत सारे मिल रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले एचआरस को कनेक्ट करना स्टार्ट करा, अपने उसमें कनेक्शंस मैंने बढ़ाए, क्योंकि एचआर से आप क्या डायरेक्ट बात, आप किसी कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग इंसान से बात करोगे तो उसको नहीं पता कितनी वैकेंसीज हैं, नहीं है, नोबडी वुड रिस्पॉन्ड। बट एचआर का ये फायदा है क्योंकि वो भी, उनको भी लोग चाहिए, सो दे टॉक वेल, आपको बताएंगे कि हाँ इस कंपनी में है नहीं है। प्लस एचआर के खुद भी फ्रेंड्स होते हैं जो वो भी एचआर होते हैं, तो वो अच्छा बना देते हैं। तो मैंने उसमें बहुत सारे एचआरस को कनेक्ट करा, फिर मैंने उसमें अपना रिज्यूम अपलोड करा, और लिंक्डइन से मैंने सही सर्च करा जॉब्स। और उसमें 2 टाइप की होती हैं जॉब सर्च करने के लिए, एक तो होता है इजी अप्लाई, तो इजी अप्लाई एंड यू ऑलरेडी हैव योर रिज्यूम ऑन दैट, तो वो डायरेक्टली होल एप्लीकेशन। बट कुछ होते हैं जिसमें आपको पूरी एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है, तो ऐसे ही मैंने वहां से ही सबसे ज्यादा करा, मतलब उसके अलावा बिकॉज मेरे पास कोई पहले से जानने वाला नहीं था जिसको मैं बोलूं कि भाई मेरे को रेफर कर दो या कुछ। एंड इजी अप्लाई इजी भी होता है बहुत, अगर आप वन क्लिक करो तो अप्लाई हो जाता है। तो हम लोग लिटरली आफ्टर डूइंग आवर प्रोजेक्ट स्टफ हम लोग बैठते थे 2 घंटा और सिर्फ जॉब अप्लाई करते थे, उसमें और कुछ काम नहीं, और जिसमें से 1 घंटा इजी अप्लाई क्योंकि उसमें सिर्फ आपको क्लिक 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 करना है। हाँ, राइट। घंटा वो फिर एप्लीकेशन आप करो अपनी। और सो आपको ये कैसे पता चला दैट देयर इज अ ओपनिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी? तो बेसिकली मेरा प्लान था कि मुझे कॉर्क में ही रहना है, तो मैं ज्यादातर जो कंपनीज में अप्लाई कर रही थी वो कॉर्क में ही कर रही थी, और जो मेरी लोकेशन थी जहाँ मैं उस टाइम रह रही थी उसके पास ही था ये जो एरिया जहाँ मैं रहती हूँ बेलनकोलिक, तो मैंने उधर वो कंपनी सर्च करी, तो उधर बाय चांस उसमें थी वैकेंसी, और वो इजी क्लिक से मैंने इसको अप्लाई करा। और सीरियसली लाइक यू वोंट बिलीव मी बट मुझे पता भी नहीं था कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई करा, क्योंकि मैं जैसे बता रही 2-2 घंटे बैठकर हम अप्लाई कर रहे थे, उनका ही मेरे पास कॉल आया, और जब उन्होंने कॉल के बाद मेरे को इनविटेशन भेजा कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू सेट कर दिया हमने, तब मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा यहाँ पर भी मैंने अप्लाई करा था। फिर मैंने अपनी हिस्ट्री देखी एप्लीकेशंस की, और फिर वही उन्होंने इंटरव्यू सेट करा एंड इट गोज वेल। ओके, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था when I was applying for a job. वही, क्योंकि हम तो इतनी सारी अप्लाई कर रहे हैं हमें नहीं पता कि हमें कहाँ से रिस्पांस आ रहे हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या है यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करने के लिए? एक तो आपने लिंक्डइन बता दिया, और ऐसे ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? यहाँ पर है 3-4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स ठीक जिसपे आप वो भी आपको अच्छी जॉब्स दिखा देते हैं यहाँ पर। एक उसमें से है इंडीड और jobs.ie, जॉब्स इन आयरलैंड, एंड वन मोर देयर वाज irishjob.ie। ओके, तो आपने जैसे अपनी जॉब के लिए अप्लाई करा था, उनका आपके पास कॉल आया था, उसके बाद आपका प्रोसीजर क्या था अप्लाई करने के बाद, क्या क्या राउंड्स हुए थे आपके जॉब के लिए? ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट इसको मैं
जॉब वाले पार्ट से बताने से पहले थोड़ा सा वीजा वाले इसमें चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि क्या अब वीजा उस टाइम नहीं होता बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स के पास जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब के लिए, क्योंकि आपको GNI भी रिन्यू कराना होता है और उससे पहले रिजल्ट चाहिए आपको. तो जरूरी नहीं है, हर कॉलेज में डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, आप रिजल्ट कब आ रहा है उसका, और हो जाता है गैप आई मीन, और आप खाली जाते हो जुलाई से ही ऑलमोस्ट, तो आपके पास जॉब है लेकिन वीजा नहीं है, तो वहाँ वो बहुत इशू आते हैं. तो ये आपको देखना है कि आप कैसे अपने कंपनी को मनाते हैं कि भाई रुक जाओ थोड़ा हमारे लिए. तो जब मैंने उनको करा था कॉल, मतलब उनकी जब मैंने इंटरव्यू शेड्यूल करा था उन्होंने मेरा, तो दे वर लाइक ठीक है हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए, और बट मेरे को पैसे भी चाहिए थे, तो मैंने कहा कि नहीं मेरे को अभी ज्वाइन भी करना है, लेकिन तो देख लो आप लोग इसी वीजा पर कर दो. तो उन्होंने ऐसे बीच का सोल्यूशन निकाला कि ठीक है हम आपको सेम रोल पर पार्ट टाइम जॉब दे देते हैं, क्योंकि आपके पास 20 आवर्स परमिशन है. हाँ, 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं. तो उन्होंने मुझे सेम रोल सेम एवरीथिंग बट 20 आवर्स, और जब मेरा वीजा रिन्यू होगा तो उन्होंने मुझे फिर फुल टाइम कर दिया. तो ये इसलिए बता रही हूँ मैं, लाइक ये भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनीज को, क्योंकि नहीं होता हर कोई कंपनी आगे से आपको ये आइडिया नहीं देगी. अच्छी चीज थी. फिर सेकेंड थिंग रिलेटेड टू राउंड्स, तो उसमें मेरे 3 राउंड्स थे, जिसमें जो फर्स्ट था उसमें जो वहाँ के मैनेजर थे और जो वहाँ के और डिपार्टमेंटल मैनेजर जो थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया जिसमें टेक्निकल इंटरव्यू था वो. तो उसमें उन्होंने जो रोल था उससे रिलेटेड जो टेक्निकल चीजें थी, जिसमें SQL था, डेटाबेस था, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेरी पूछी. उन्होंने लिटरली मुझसे क्वेरी लिखवाई वहां पर कि ये एक सिचुएशन है, आपको ये डी भी दे दिया है और इसके अंदर ये सब चीजें हैं, और मुझे इसमें से सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्या एकदम से क्वेरी लगाओगे. तो बेसिकली वहां पर देखते होते हैं कि आप कितने क्विकली उनको आंसर दे सकते हो. बहुत टफ बट उनको देखना है कि आप उसको हैंडल कर पा रहे हो या नहीं. सो दैट्स व्हाट दे वांट, बिकॉज़ आज की हम गूगल एवरीथिंग, तो उनको वो रोबोट्स नहीं चाहिए जो आपको डेफिनेशन लाके दें कि इसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है. बट इजी है इंटरव्यूज यहाँ पर कंपैरेटिवली इंडिया आई गेस, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि इन्हें रोबोट्स नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए कि वो बता कैसे हैंडल कर लेगा. तो टेक्निकल और ये सब तो कर ही लेते हैं हम लोग, इतना तो इशू नहीं है. फिर एक था जिसमें HR ने जनरल क्वेश्चंस पूछे, जिसमें वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं होते कि where do you see yourself in 5 years और how do you handle stress like that. वो और एक और फाइनल राउंड था जिसमें और 3-4 लोग बैठे थे उन्हीं के ही डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने भी क्वेश्चंस पूछे थे, उनके जनरल नहीं थे. मेन जो टफ जैसा राउंड था वो फर्स्ट टेक्निकल पार्ट ही था जिसमें उन्होंने आपको पूछा. और हाँ, यहाँ रिज्यूम, जो भी आपने रिज्यूम में लिखा होगा वो उसी से सब कुछ चीज पूछते हैं. तो मेरा रिज्यूम लेके ही बैठे हुए थे वो लोग, और दे वर लाइक बताओ कहाँ किया, इसमें बताओ क्या किया, कि इंटर्नशिप्स में क्या करा आपने, इसमें पूरा एक्सप्लेन करो अच्छे से. और इसमें एक और चीज मेन है कि यहाँ पर एक चलता है स्टार करके, स्टार ही आई गेस उसको बोलते हैं, अगर आपने भी देखा होगा. स्टार मीन्स की दीज आर लाइक शॉर्ट फॉर्म ऑफ It's a short form. तो स्टार में होता है कि आपको उस सिचुएशन का बताना है, आपको उस सिचुएशन में क्या एक्सपीरियंस था वो बताना है. बोल नहीं सकते अपने मुंह से कि ये काम मुझे, मैं बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूँ. कैसे आपको गिव एग्जाम्पल कि मैंने इस टाइम उस जगह पर ऐसे काम करा था तो मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट ला के दिए थे. सो यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सपीरियंस. हाँ, वो स्टार आंसर देना होता है, उसकी प्रिपरेशन भी कराते हैं कॉलेजेस में. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको बोलेंगे नहीं कि आप, मैं यू हैव टू गिव योर आंसर लाइक दैट. दैट्स द मेन पार्ट आई गेस. राइट, सो व्हाट इज द एवरेज पैकेज जो फ्रेशर्स को मिलता है यहाँ पे स्टार्टिंग में आईटी रोल्स में? एवरेज पैकेज आई वुड से 30,000 तो मिलना ही होता ही है. 30,000 तो अगर कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पर्सन आ रहा है लाइक इंडिया से डायरेक्ट जॉब करने के लिए, या फिर कोई मास्टर्स करके यहाँ पे जॉब सर्च कर रहा है एक्सपीरियंस पर्सन, तो उसकी सैलरी क्या होती है एवरेज? एवरेज सैलरी आई वुड से डिपेंड करता है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है. तो अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो स्टिल 35-40 के बीच में रहता है पैकेज, और 3-4 साल एक्सपीरियंस वाले लोग 55 तक भी कर लेते हैं, और 5-6 साल एक्सपीरियंस वाले 65-70 भी पहुंच जाता है. डिपेंड्स कि आपका रोल क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, और एग्जैक्टली अगर कंपनी को वही बंदा मिल जाए जो उन्हें चाहिए और मार्केट में डिमांड है और उनको मिल नहीं रहा है, तो फिर वो आपको अच्छा भला पैकेज दे सकते हैं. और आई थिंक ये डबलिन में भी डिपेंड करता है, आई मीन
किसी भी रोल है यूरोप में है तो थोड़ी कम सैलरी होगी, डब्लिन में तो ज्यादा सैलरी होगी बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव लाइक दैट. और ये भी डिपेंड करता है, अगर आपको उसी रोल के अंदर एक्सपीरियंस है जो आपने पहले करा हुआ है तो भी पैकेज अच्छा मिलता है. एग्जैक्टली. और फ्रेशर्स के लिए है यहाँ पर कि 32-33 से स्टार्टिंग हो जाती है उन लोगों की, और बाकी आई गेस अगर डबलिन में है तो 32 से ही पैकेज स्टार्ट होता है, आई एम नॉट श्योर दो, बट ऐसे ही है. या दैट्स आई थिंक 3 इयर्स से जिनको कम है उनको फ्रेशर्स जितनी ही सैलरी मिलती है अराउंड. 3 इयर्स से कम वालों को, बट स्टिल वही वाली बात है कि अगर कंपनी को डिमांड है उस चीज की और वो तो अच्छी सैलरी आपको फिर भी दे देते हैं. 32-34-35 ये मिल जाता है पैकेज आपको. तो यहाँ पे जॉब सर्च करना जैसे बहुत लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है, नहीं मिलती है, कुछ सोचते हैं इजी है, तो उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है कि यहाँ पे जॉब ढूंढना इजी है या मुश्किल है? मैं तो यही बोलूंगी कि एक तो डिपेंड करता है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है उस चीज में. तो मेरे लिए तो इजी था एक्सपीरियंस, और मेरे जो क्लासमेट्स और सब थे सबके लिए ऑलमोस्ट इजी ही था. आई मीन आपको मेहनत करी हमने, क्योंकि वही जो मैं बता रही हूँ 2-2 घंटे जो हमने जॉब्स अप्लाई करी, तो हमने 150-200 जॉब तो अप्लाई कर ही दी होंगी पूरे टाइम में. तो वाली बात है, मेहनत भी करो, एक्सपेक्ट करो कि ठीक है रिजल्ट आएंगे, स्टे पॉजिटिव बिकॉज उस टाइम बहुत नेगेटिविटी हो जाती है आपको रिजेक्शन के मेल्स आने के बाद. आप तो कहीं भी रिप्लाई अप्लाई कर रहे हो, आपको नहीं पता उस कंपनी में उतनी डिमांड है उस चीज की या नहीं है, तो यू गेट अ लॉट ऑफ रिजेक्शन मेल्स. बट उससे ऐसे हताश नहीं होना है कि भाई मिली नहीं रही तो जॉब, इवेंचुअली सबको जॉब मिल जाती है. मेरा कोई भी एक ऐसा वाह फ्रेंड क्या वर्ड यूज करा आपने, हताश. भाई, हम लोग हिंदी हमारी लैंग्वेज है. नहीं काफी अच्छा वर्ड है ये. हाँ बट सीरियसली मतलब एक भी ऐसा बंदा नहीं है यहाँ पे जिसको जॉब ना मिली हो अब तक के किसी भी बैच में, और सबको अच्छी जगहों पर जॉब मिली है, सब अच्छी ही जॉब कर रहे हैं. तो आई थिंक इजी है जॉब मिलना कंपैरेटिवली. अब किसी और कंट्री में देखो कितना कंपटीशन है हर चीज में, आई गेस उस कंपैरेटिवली तो इजी है. राइट. अभी ऑल दो कोविड के बाद आई एम नॉट श्योर, कोविड के बाद चीजें हो सकता है काफी चेंज हुई हो इस साल से, तो अब पता नहीं उसका इफेक्ट क्या होगा. अभी थोड़ा आई थिंक मार्केट डाउन हुआ है बट अभी बोल रहे 2-3 मंथ्स में आई थिंक ठीक हो जाएगा. हाँ देखो वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड से हो. लाइक अगर होटल मैनेजमेंट वाला कोई स्टूडेंट है या उधर की तरफ है तो उनको टाइम लग सकता है बिकॉज दे आर नॉट ओपन सून, बट हम लोगों को तो ठीक है. राइट. सो डू यू वांट टू से एनीथिंग इन द कंक्लूजन? कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगी कि आयरलैंड बहुत अच्छी कंट्री है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. आपका कोर्स जो आप कर रहे हो आपको बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोर्स शॉर्ट है, जॉब के लिए आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, जॉब्स इजीली मिल रही हैं, वेदर भी अच्छा ही है. मुझे तो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं बट आई लव कॉर्क एंड आयरलैंड, और जॉब्स मिलना भी इजी है. तो आई गेस ओवरऑल इट्स ऑल गुड, बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं. आई मीन ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ओके सो थैंक यू एलिस, आपने हमें ज्वाइन करा और इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सबको. आई थिंक व्यूअर्स को इससे बहुत बेनिफिट होगा, जो लोग सोचते हैं कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी या फिर कैसा होता है वहां पे, तो आई थिंक वो उनको इससे बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से. तो आई रियली होप सो कि मैंने हेल्प करी थैंक उसको. यू एलिस फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. और अगर आप लोगों को एलिस की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इनका खुद का भी एक चैनल है स्टॉल द बॉल्स एलिस शर्मा के नाम से, वो आप सर्च कर सकते हैं जाके यूट्यूब पे. और इन्होंने वहां पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हुई है और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कॉर्क आयरलैंड के बारे में सारी, तो आप वो भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू सो मच. आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सिद्धांत वीडियोस. थैंक यू. तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बता देना अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए हो तो, या फिर आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं. और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और बेल आइकन दबा लेना मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.